धनतेरस पर भूलकर भी ना खरीदें ये 6 सामान। अगर इन 6 चीजों को खरीदा तो घर में आएगी दरिद्रता। अगर कर दी गलती तो चली जाएगी सुख और शांति। दिवाली से पहले दिवालिया नहीं धनवान बनने का रास्ता जाने। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। ज्यादातर लोग इस दिन अपने घर सोने, चांदी, बर्तन, पीतल जैसी धातु लेकर आते हैं। माना जाता है कि धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें खरीदने से परहेज करना चाहिए। ये चीजें आपके परिवार में दरिद्रता ला सकती हैं। वैसे तो धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की खरीदारी करते हैं। अगर आप भी बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन बिल्कुल ना खरीदें। कांच का संबंध राहु से माना गया है। इस शुभ दिन पर राहु से जुड़ी चीजों को घर नहीं लाना चाहिए। इससे घर में तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं। नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई या किसी भी तरह की नुकीली चीजों को धनतेरस के दिन घर में खरीद कर नहीं लाना चाहिए। ये चीजें कलेश का कारण बन सकती हैं। जहां शांति रहती है वहां कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। चीनी मिट्टी के शोपीस, बर्तन आदि को भी धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं होता। इन चीजों में अस्थायित्व नहीं होता। ये चीजें कभी भी टूट फूट सकती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त होने के कारण धनतेरस पर लोहे से जुड़ी चीजें खरीदने से बचें। लोहे का संबंध शनि से माना गया है। इससे आपके घर में आर्थिक हानि हो सकती है। एल्युमिनियम से जुड़ी चीजों को भी खरीदने से बचना चाहिए। एल्युमिनियम का संबंध भी राहु से माना गया है। राहु से जुड़ी चीजें घर में दरिद्रता लेकर आती हैं। इन्हें नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इन सावधानियों को बरतेंगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी। इसके साथ ही आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। न्यूज़ लाइफ डेस्क पटना।